हेलो दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंटी क्यू टेप रिकॉर्डर लबर म्यूजियम में। तो दोस्तों, आज हम जिसका वीडियो बनाने वाले हैं वो सेट हमारे पास आ चुका है। और दोस्तों, आज हम हमारे इस नेशनल पैनासोनिक जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों RX5035। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पैनासोनिक RX5035। और दोस्तों, ये मेड इन जापान सेट है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्या इस सेट में अभी भी वही दमखम है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू में होता था। और दोस्तों, जैसे इसकी झरझर कंडीशन दिख रही है दोस्तों, आज हम यही पता करेंगे कि वाकई इस सेट की साउंड क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस क्या अभी भी उतना ही दमदार है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारे इस नेशनल पैनासोनिक RX5035 मॉडल का वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे इस सेट की जो हालत है, इसे देखकर तो लगता नहीं है कि ये किसी काम का होगा। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि नेशनल पैनासोनिक सबसे बेस्ट है, ये पूरे वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। ये जिस हालत में, जिस कंडीशन में भी है दोस्तों, इसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती दोस्तों, ये अभी भी ज्यों का त्यों है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बातें कम और काम ज़्यादा। तो दोस्तों, अब हम इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो कैसेट मैकेनिज्म है जिसमें हम कैसेट डाल के बजाते हैं, उसकी कंडीशन कैसी है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 4 बैंड का रेडियो है, वो रेडियो भी चेक करेंगे। और दोस्तों, हम इसे चारों तरफ आगे पीछे सब जगह से इसे घुमा कर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं ये पावर कॉर्ड इसमें लगा लेता हूँ, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह का है, यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ। ये देखिए, ये सॉकेट है दोस्तों, और बड़े प्यार से लगता है। तो लगे हाथ दोस्तों, हम थोड़ी सी यहाँ की भी बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले दोस्तों माइक का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद दोस्तों लाइन इन का ऑप्शन मिलता है, इसे आप मोबाइल से भी बजा सकते हो। और दोस्तों, लाइन आउट का भी ऑप्शन है, जो कि आप इसकी आवाज़ को एम्पलीफायर में भी दे सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर हमें हेडफोन भी मिलता है, ताकि हम अगर अकेले में कुछ सुनना चाहते हैं तो हम अपने कान पर हेडफोन लगा के भी दोस्तों सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद होता है वीडियो बनाने का कि मेरे पास जो भी सेट आए, आप उसे अच्छे से देख सकें, आप उस सेट की अच्छे से जानकारी ले सकें कि ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों हमारा ये नेशनल पैनासोनिक के जितने भी सेट हैं वो दोस्तों बखूबी अपना काम करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ये ट्विनिंग नॉब है, और दोस्तों ये फाइन ट्यूनिंग नॉब है, जो कि दोस्तों जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो उस टाइम ये काम आता है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो ये फर्स्ट नॉब है, जो कि राउंड में घूमता है दोस्तों, तो ये फर्स्ट नॉब हमारा बेस ट्रबल नॉब है। और सेकंड नॉब जो है दोस्तों, ये बैलेंस है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ये स्टीरियो है, तो स्टीरियो में बैलेंस होना तो
लाजमी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा नॉब भी है हमारा जो है वॉल्यूम कंट्रोल है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद का जो ये स्विच है जो कि दोस्तों अप डाउन होता है, ये ऊपर नीचे होता है, आप स्लाइडर स्विच भी बोल सकते हैं, जो कि दोस्तों सबसे पहला इसका ऑप्शन टेप का है, दूसरा ऑप्शन रेडियो का है, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन मोबाइल का है जहाँ से आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले पाउज है, स्टॉप इजेक्ट है, फिर प्ले है, फिर फॉरवर्ड है, फिर रिवाइंड है, लास्ट में रिकॉर्डिंग है दोस्तों, जैसा कि आप शायद पढ़ भी पा रहे होंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इससे आगे जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें तीन स्लाइडर स्विच मिलते हैं दोस्तों, इसे आप बैंड स्विच भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो ये बैंड स्विच है, ये दोस्तों हमारी इस डिस्को लाइट के लिए है, जो कि दोस्तों जब हम इसमें कोई भी सॉन्ग बजाते हैं तो ये लाइट जो है हमारे सॉन्ग के मुताबिक थिरकती है। तो दोस्तों इसे आप नीचे करके ऑफ रख सकते हो, और आप इसे स्टील भी रख सकते हो कि सारी लाइटें जलती रहे। और दोस्तों अगर आप सबसे लास्ट वाले लेवल पे करते हैं तो फिर ये सॉन्ग के साथ थिरकने शुरू करती है दोस्तों। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट वाला जो है मोनो स्टीरियो दोस्तों, जिन दोस्तों को मोनो में आवाज़ सुनने की आदत है वो मोनो करके सुन सकते हैं, एक स्पीकर की आवाज़ को दोनों स्पीकर में सुन सकते हैं। और दोस्तों आपको मोनो पसंद नहीं तो आप इसे स्टीरियो करके भी दोनों स्पीकरों में अलग अलग साउंड को जो है अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा और लास्ट हमारा जो ये स्लाइडर स्विच है, बैंड स्विच है, ये दोस्तों सबसे फर्स्ट में दोस्तों आप कह सकते हैं सबसे ऊपर जो है एफएम रेडियो दोस्तों, उसके बाद मीडियम वेव है, उसके बाद दोस्तों शॉर्ट वेव वन है, फिर शॉर्ट वेव टू है, और दोस्तों सबसे एंड में जो है हमें यहाँ पर कुछ कंपनी का कुछ लिखा हुआ भी देखने को मिलता है, जिसमें जो है इस सेट की थोड़ी सी जो है जो इसकी फीचर है उसके बारे में कंपनी ने लिखा है, जैसे कि एफएम, एमडब्ल्यू, एसडब्ल्यू, एसडब्ल्यू टू, फोर बैंड स्टीरियो और रेडियो कैसेट रिकॉर्डर। तो दोस्तों साथ में हम इसके एंटीना की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, एंटीना भी इसका बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत, हालांकि जितना ये बड़ा सेट है उस हिसाब से कंपनी ने थोड़ा सा छोटा लगाया एंटीना। तो चलिए जो भी है, लेकिन काम इसका अच्छा है दोस्तों, और ये अभी भी अपनी उसी मजबूती से टिका हुआ दोस्तों। और दोस्तों ये टेलीस्कोप एंटीना बोलते हैं इसको, जो जिसे आप जिधर मर्जी घुमा सकते हैं, रेडियो सिग्नल आपको जिधर मिलता है आप उस साइड घुमा कर रख सकते हो। और दोस्तों कैरी हैंडल के तो क्या कहने, बहुत ही शानदार है, बहुत ही आकर्षक है अभी भी। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे थोड़ा सा बजा के देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं स्विच को ऑन कर लेता हूँ, और दोस्तों इसमें मैं हिंदी सॉन्ग की कैसेट लगा लेता हूँ, तो देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसा ये सेट दिख रहा है आपको लग रहा होगा बिल्कुल इसकी हालत ऐसी लग रही है, जैसे बोलते हैं ना कि इसकी हालत इतनी ख़राब है मुझे तो दया आ रही है। तो दोस्तों इसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है, देखिए आप देख सकते हैं, क्या ये सेट देखकर आपको लगता है कि ये बजेगा, पर दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है ये बजेगा और बहुत अच्छा बजेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसेट मैंने लगाई है, तो मैं अब इसे प्ले कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वॉल्यूम देख ले चेक कर लेता हूँ कि वॉल्यूम सही खुला है, नहीं तो अगर पूरा खुला होगा तो एकदम से स्पीकर भी फट सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमने जो है इस रेडियो टेप सिलेक्टर को लाइन इन में रखा था इसलिए हमें आवाज़ कोई नहीं आई। तो दोस्तों अब मैं इसे टेप करता हूँ,
तो दोस्तों घबराइएगा मत, कहीं जाइएगा भी मत, दिल के टुकड़े करके, क्योंकि हमारी ये थोड़ी सी ये तार वहाँ से हिल रही थी, जिसे हम पावर कोर्ड कहते हैं, ये हिल रही थी, तो इस वजह से मैं भी डर गया कि ये इसमें कुछ हो गया। तो दोस्तों मैंने इसलिए आवाज़ ऑफ रखी है ताकि यूट्यूब वालों के सिर में दर्द ना हो जाए, नहीं तो वो हमारा वीडियो व्लॉग भी कर देते हैं अगर लंबा सॉन्ग बजाया तो, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम कोई भी जो है बॉलीवुड सॉन्ग हम आपको बजा कर ऑनलाइन सुनाएं। तो थोड़ा थोड़ा दोस्तों मैं आपको टुकड़ों में सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ये सेट बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी खूबसूरती पर मत जाइए आप, इसका परफॉर्मेंस देखिए क्या शानदार है, आवाज़ देखिए दोस्तों। हो तो खींचे बैठे हो खंजर, तो सुना दोस्तों आपने इसकी आवाज़, कितना शानदार आवाज है दोस्तों, नेशनल पैनासोनिक जो कि मेड इन जापान ब्रांड है, आज 50 साल के बाद भी दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप अगर कोई भी नेशनल पैनासोनिक का सेट लेते हैं तो आप चाहे आंख बंद करके ले लो, आपको धोखा नहीं होने वाला है, आपको निराश नहीं करेगा ये। तो दोस्तों मैं भी बहुत खुश हूँ इस सेट को लेकर, देखिए जैसा मुझे दिख रहा था ये वैसा है नहीं, ये तो मेरे हिसाब से छुपा रुस्तम निकला दोस्तों, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका रेडियो भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से बैंड सेलेक्ट को दोस्तों रेडियो पर कर लेता हूँ और थोड़ा सा साउंड खोल लेता हूँ दोस्तों। तो ये थोड़ा सा मैं एंटीना भी खोल लेता हूँ, एंटीना देखिए कितना लंबा है दोस्तों, ऐसे देखने में तो छोटा लग रहा था फोल्डिंग में, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना लंबा खुलता है इसका एंटीना, जो कि बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों रेडियो मैंने ऑन किया है, अब ये सबसे पहला बैंड जो इसका एफएम का है, तो हम एफएम को ट्यून कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए मुझे लाइट बंद करनी होगी, ये देखो दोस्तों रेडियो सुनो इसका, दोस्तों इस समय हमारे यहाँ एक ही रेडियो स्टेशन आ रहा है, क्योंकि दूसरे की शायद लाइट चली गई है, जो कि हमारे यहाँ केवल दो ही एफएम चैनल आते हैं, जो कि एक हमारे हमीरपुर से आता है, एक हमारे शिमला से आता है। ये शिमले वाला तो दोस्तों बहुत अच्छा बज रहा है, ये देखिए, और हमारा जो हमीरपुर है उनकी शायद बिजली चली गई है, वो नहीं अभी इस टाइम बज रहा है। तो चलिए अब हम अगले बैंड पर चलते हैं, तो मीडियम वेव ट्यून करके कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ मीडियम वेव नहीं चलता है, तो चलिए हम शॉर्ट वेव को ट्यून कर लेते हैं थोड़ा। तो
दोस्तों इस समय हमारे पास शॉर्ट वेव वन भी नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है सिग्नल का दिक्कत हो। हमारे यहाँ मौसम भी ख़राब है इस समय, तो ये शॉर्ट वेव टू है दोस्तों। शॉर्ट वेव बहुत अच्छा पकड़ रहा है, जो कि आमतौर पर इतना क्लियर नहीं पकड़ता है हमारे यहाँ। काफ़ी अच्छा पकड़ रहा है शॉर्ट वेव। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इस नेशनल पैनासोनिक RX5035 में चार बैंड का रेडियो है, जिसमें FM, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ये सब हमें मिलते हैं इसमें दोस्तों। तो रेडियो भी हमने चेक कर लिया है दोस्तों, और टेप भी हमने देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप सबके पास भी कुछ ऐसी हालत में या ऐसी कंडीशन में आपके पास भी कोई सेट है जो कि हूबहू इस तरह से आपका सेट भी क्या चलता है, क्या बजता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों, मैं इसके बैक साइड में भी ले आया आपको, तो थोड़ा सा यहाँ की भी दोस्तों देख लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ की भी थोड़ी खबर ले लेते हैं, इसके बैक साइड में क्या क्या कंपनी ने हमें फीचर दिए हैं। तो दोस्तों बैक साइड में तो इसके लगभग सिर्फ FM एंटीना और आप नॉर्मल एंटीना जो है, अगर आपके घर में अगर इस एंटीने से अगर सिग्नल वीक है तो आप एक्स्ट्रा एंटीना इसमें लगा के जो है इस FM को जो है आप मेरा कहने का मतलब है दोस्तों रेडियो को आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस में ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस सेट में जो है 6 बैटरियों का खांचा बना हुआ है दोस्तों, इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये 9 वोल्ट का सेट है दोस्तों, जो कि दोस्तों 9 वोल्ट के हिसाब से काफ़ी बड़ा सेट है। इसका ढांचा भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं थोड़ा सा आपको इस कैसेट के ज़रिए बता देता हूँ, देखिए कितना बड़ा सेट है दोस्तों। देखिए ये देखिए, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये सेट इतना बड़ा है। देखिए बहुत बड़ा साइज है इसका, 2 स्पीकरों में है दोस्तों, 2 स्पीकर, 2 ट्विटर, जो कि इसका साउंड भी बहुत हैवी है दोस्तों, काफ़ी लाउडनेस है साउंड में, लगभग 30-35 वॉट की आवाज़ है इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसके बैक साइड में हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता, वोल्टेज सिलेक्टर या बैटरी बॉक्स और एंटीना का ऑप्शन मिलता है। बाकी जो भी नए फीचर है वो इस साइड में कंपनी ने दिए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा एक बार हम इसे आगे से और अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को भी विराम देंगे, और आप सबको भी बहुत से काम होंगे तो ज़्यादा समय शायद मैं आपका ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये 2 हमारे ट्विटर है, जो कि लगभग दोस्तों ये 1.5 इंच के ट्विटर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों हमारे ये 2 स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है, जो कि दोस्तों ये 4 ओम के स्पीकर है, और दोस्तों लगभग ये 5.5 इंची स्पीकर है,
5 या 5.5 इंच स्पीकर है दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़े साइज के हैं और आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो इतना बड़ा सेट है, देखिए इतना बड़ा। और दोस्तों इसकी जो डायल प्लेट है वो भी बहुत खूबसूरत लगाई है कंपनी ने, और यहाँ पर एक छोटी सी LED भी दिखाई देती है जो कि FM स्टीरियो ट्यून होने पर ये काम में आती है। ये लाल बत्ती की शक्ल में आपको डिप डिप करती हुई नज़र आती है। और दोस्तों इसका काउंटर भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, ये देखिए पूरा वर्क कर रहा है ये। तो चलिए दोस्तों, मेरा मकसद इतना था कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप नेशनल पैनासोनिक के बूमबॉक्स से प्यार करते हैं तो वो गलत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है, आपकी चॉइस बिल्कुल राइट है सर आप। तो दोस्तों ये जिस भी हालत में हो, जिस भी कंडीशन में हो, ये अपना परफॉर्मेंस कहने का मतलब है दोस्तों, ये आज भी उसी क्वालिटी में या आप कह सकते हैं उसी शिद्दत से अपना परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों, जो कि ये 50 साल पहले देता था। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं ये सेट लगभग 80 से भी पुराना सेट है, 80 के दशक से भी ये पहले आया था हमारे पास, 80 की शुरुआत से पहले ही ये लगभग 78-79 के दौर का सेट है दोस्तों, जो कि दोस्तों इसकी कंडीशन देखकर तो बहुत ही जर्जर लगता है, लेकिन जो इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। जाते जाते एक बार और मैं आपको इसमें इसके कैसेट में जो है, मेरा कहने का मतलब है हम इसमें एक ऑडियो कैसेट इंसर्ट करके एक बार और सुन लेते हैं जाते जाते इसका परफॉर्मेंस। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे इस नेशनल पैनासोनिक RX 5035 के बारे में? तो दोस्तों अगर आपको इसी कंडीशन में ये सेट पसंद है तो मैं आपको इसी कंडीशन में भी कुरियर कर सकता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका रेस्टोरेशन करें, इसे बिल्कुल चमका दे बाहर से, बिल्कुल नए जैसा बना दे, तो वो भी हम कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।